नमस्कार, एब्सोल्यूट स्पोकन इंग्लिश वर्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैन और कुड में क्या अंतर है। सो कैन का मतलब होता है सकता, सकते, सकती, और कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, या फिर पाया, पाई, पाए, मतलब कर पाया, कर पाई, कर पाए। इस तरह की बातों के लिए आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मराठी में देखें तो कैन का मतलब होता है शक्तो, शक्ते, शक्ता, और मराठी में कुड़ का मतलब होता है शक्लो, शक्ली, शक्ले। तो कैन का इस्तेमाल हम कब करते हैं और क्यों करते हैं? तो जब भी आपको बात करनी हो आपकी क्षमता के बारे में, आपकी एबिलिटी के बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में कि कौन क्या कर सकता है या क्या हो सकता है, आप क्या नहीं कर सकते या क्या नहीं हो सकता है, ऐसी बातों के लिए हम यूज करते हैं कैन का। और कुड का आप पास में क्या कर सके, क्या कर पाए, इन बातों के लिए कुड का होता है। तो कैन, अगर आपको बताना है कि भाई आपको इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो आप कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब आप में क्षमता है, आप बात कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोलू सकतो, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वही मान लीजिए आप स्टेज पर गए, वो आपने भाषण दिया और आपने इंग्लिश में बात कर ली, तो बात कर ली, आपने बहुत प्रैक्टिस की इसलिए बात कर पाए, तो आपको बताना है भाई कि मैं इंग्लिश में बात कर पाया, मैं इंग्लिश मध्ये बोलू शकलो। तो उसके लिए आप यूज करेंगे कुड। सिंपल भाषा में कहे तो जो आप कर सकते हैं उसके लिए कैन, जो आप कर पाए उसके लिए कुड। मतलब आप कहे कि भाई मैं चाय बना सकता हूं, बनाए नहीं पर बना सकता हूं, तो आप कहेंगे आई कैन मेक टी। आप गए, आपने चाय बनाया, चाय बन गई, बोले भाई देखो मैं चाय बना पाया, आई कुड मेक टी, मैं चाय बना पाया। पर बात करें फॉर्मूला वाइज, तो कैन का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और कुड का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे बोलना है कि मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं गया नहीं, मैं जा सकता हूं, तो मैं कह रहा हूं आई कैन गो, मैं चला गया, मैं जा पाया। तो मुझे तो ये बताना है भाई कि बस मिली इसलिए मैं जा पाया, वरना जाना संभव नहीं था। तो मुझे बताना है कि मैं बस की वजह से जा पाया, मैं कहूंगा आई कुड गो ड्यू टू बस। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? की वजह से। आप यहाँ पे बिकॉज ऑफ भी कह सकते हैं, लाइक मैं कह सकता हूं आई कुड गो बिकॉज ऑफ बस, मतलब क्या होगा, मैं बस की वजह से जा सका। और मैं कहूं आई कुड गो ड्यू टू बस, मैं बस की वजह से जा सका, तो फर्क पड़ नहीं सकता। आप ड्यू टू कह सकते हैं, आप बिकॉज ऑफ भी कह सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं कर सका, तो आई कुड डू, मैं कर सकता हूं आई कैन डू। मैं खेल सकता हूं आई कैन प्ले, मैं खेलने गया और मैं खेल सका, आई कुड प्ले। तो जब आप जो क्रिया कर सकते हैं उसके लिए कैन, और जो क्रिया आप कर पाए उसके लिए कुड। अब नेगेटिव में देखिए, मुझे उर्दू नहीं आती है, तो मैं कहूंगा आई कैन नॉट स्पीक उर्दू, या शॉर्ट में आई कांट स्पीक उर्दू, मतलब मैं उर्दू बोल नहीं सकता, मी उर्दू बोलू शकत नहीं, आई कैन नॉट स्पीक उर्दू। मैंने ट्राई किया, मैं गया था उन लोगों में, तो मैंने ट्राई किया कि उर्दू बोलू, लेकिन ट्राई करने के बाद भी मैं उर्दू बोल नहीं पाया, हुआ नहीं मुझसे। तो मैं कहूंगा आई कुड नॉट स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोल नहीं पाया, मी उर्दू बोलू शकलो नहीं, आई कुड नॉट स्पीक उर्दू। लाइक चाय की बात की थी हमने, तो सब कुछ रेडी है, तो आप कहेंगे आई कैन मेक टी, मैं चाय बना सकता हूँ, चाय बन गई आपकी, तो बोले चाय बना पाया मैं, आई कुड मेक टी। लेकिन आपको चाय बनाना नहीं आता, या फिर चाय बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है, तो आप कहेंगे आई कैन नॉट मेक टी, आई कैन नॉट मेक टी, मैं चाय बना नहीं सकता, मी चाह बनू शकत नहीं। वही आप गए, आपने ट्राई किया, देखा ये वो देखा, लेकिन
हुआ नहीं, आप चाहे कर नहीं पाए, आपसे हुआ नहीं, तो आप कहेंगे आई कुड नॉट मेक टी, मैं चाय बना नहीं पाया। देखा मैंने कि कर सकता हूँ क्या, मैंने ट्राई तो किया, लेकिन ट्राई करने के बावजूद मुझसे हुआ नहीं, तो मैं कहूँगा आई कुड नॉट मेक टी, मैं चाय बना नहीं पाया, मैं चाह बनू शकलो नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, आई कुड नॉट मेक टी, मैं चाय बना नहीं पाया। ये बातें होती है, लाइक मैं जाना चाहता था लेकिन मैं जा नहीं पाया, लॉकडाउन है, मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो। आप कह रहे मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो, और बोले लॉकडाउन है भाई, हम जा नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, वी कांट गो। तो वी कांट गो, हम जा नहीं सकते, आपन जाऊ शकत नहीं। एंड वी कुड नॉट गो, प्रयत्न केला पण जाऊ शकलो नाही। वी कुड नॉट गो, हम जा नहीं सके, आम्ही जाऊ शकलो नहीं। तो ऐसी बातें होती है, लाइक मैं कहूँ कि मैं चल नहीं सकता, पैर में चोट है, मैं चल नहीं सकता, आई कांट वॉक, आई कांट वॉक, मैं चल नहीं सकता, मी चालू शकत नहीं। फिर भी मान लेते कि मैं ट्राई किया, मैं अपनी जगह से उठा और मैंने चलने की कोशिश की, लेकिन मैं गिर गया। तो मैं कहता भाई कि मैंने ट्राई तो किया लेकिन मैं चल नहीं पाया, मी चालू शकलो नहीं। तो ये मैं कहूँगा आई कुड नॉट वॉक, आई कुड नॉट वॉक, मैं चल नहीं पाया, मैं चालू शकलो नहीं। तो आप देख नहीं सकते, बोले कि आंखों में प्रॉब्लम है या अंधेरा है, तो हम कहेंगे मैं पहुंच शकत नहीं, मैं देख नहीं सकता, आई कांट सी, आई कांट सी, आई कैन नॉट सी, मैं पहुंच शकत नहीं, मैं देख नहीं सकता। मैंने ट्राई तो किया, मैंने ट्राई किया कि देखूं, लेकिन अंधेरा था तो मैं कुछ खास देख नहीं पाया, ट्राई किया देख नहीं पाया, मैं पहुंच शकलो नहीं। तो मैं कह रहा हूँ आई कुड नॉट सी, मैं देख नहीं पाया, मैं देख नहीं सका, मी पाऊ शकलो नहीं। तो ऐसी बातों के लिए हम कैन का और कुड का यूज करते हैं। थैंक यू।